हेलो दोस्तों, स्वागत आप सही मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी बताऊंगा, जितने भी फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी देख लो साथ के साथ में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, अब मैं दोस्तों आप सभी के लिए आंसर अपलोड कर रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी इस सब्जेक्ट के अपलोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी इसी तरह से आपके लिए आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पहले अपलोड किए थे उनके आंसर आप सभी को मैं बता रहा हूं। तो जितने बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आंसर है उनके निकाल के लाया हूं, तो आप लोग देख लो, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करनी है आपको। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक सोच की भूमिका की व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो अब, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना आप लोग क्वेश्चन पहला। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, चिंतन के साधन के रूप में निजी विकास नियोजन पर विस्तृत टिप्पणी करें, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। इसके आगे का देखो, ये रहा उसके बाद का, यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर। यहाँ तक पढ़ना है, इसके आगे हो रहा है, ये रहा फिर उसके आगे, ठीक है। इसके आगे से देख लो, और सॉरी इसके यहाँ से आगे का और देखो अभी, फिर ये पढ़ना उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना हो रहा है, ये रहा उसके बाद, और यहाँ तक पढ़ना इसके बाद हो रहा है, ये पढ़ना फिर, व्यक्तिगत तक पढ़ना, फिर इसके बाद हो रहा है, ये रहा व्यक्तिगत के बाद में, ठीक है, यहाँ से पढ़ना फिर, लास्ट में निष्कर्ष देख लो, हेरा निष्कर्ष, ठीक है। तो आपका ये दूसरे का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा में लिंग भेद पर आलोचनात्मक चिंतन करें, ठीक है। शिक्षा में लिंग भेद पर आलोचनात्मक चिंतन करें, तो इसका आंसर देख लो, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। इसके आगे का देख लो अब और, ठीक है, तो ये रहा उसके आगे का, ठीक है।
यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है थोड़ा बहुत, तो ये रहा उसके बाद का, ठीक है, मदद कर सकते हैं उसके बाद का। तो ये आपका निष्कर्ष है, बस आपको ये लिखना होगा, और आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसका आंसर देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सूटर्स के परिवर्तन प्रतिबिंब के मॉडल का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, सूटर्स के परिवर्तन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका चौथे का क्वेश्चन। अब पांचवा देख लेते हैं, तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, उदाहरण देते हुए चर्चा करें कि छात्रों में चिंतनशील अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आप जर्नल लेखन का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है, जर्नल राइट्स, ठीक है, जर्नल लेखन। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका पांचवे का। आप छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्णन करें कि अनुभवनात्मक अधिगम किस प्रकार अधिगम का स्रोत हो सकता है। तो आपका ये छठा क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। डेविड कोलबो के बारे में पूछता है, तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है, याद रखना। तो ये यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद का देख लो और, तो ये रहा उसका बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना, फिर यहाँ तक पढ़ लिया था। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, ज्ञान और ज्ञान, तो यहाँ से पढ़ना अब उसके आगे का। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है थोड़ा, तो ये रहा उसके बाद का, ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट। यहाँ तक पढ़ना और है इसके आगे, तो ये पढ़ लेना उसके बाद। यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है थोड़ा सा बस, तो ये रहा उसके बाद का, ठीक है। अब लास्ट में निष्कर्ष, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया छठे का। अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, जो पिछले साल क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो वो भी देख लो, इम्पोर्टेंट है वो भी आप सभी के लिए। ये रहा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है,
पहले क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें जो अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना है पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये अलग है, पहले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, अधिगम की प्रक्रिया में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, आलोचनात्मक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका आलोचनात्मक कंप्लीट हो गया है, अब देख लेते हैं सृजनात्मक। तो ये रहा आपका सृजनात्मक, ठीक है। भूमिका के बारे में पूछा गया है उस क्वेश्चन में, तो वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कोई। तो ये रहा एक क्वेश्चन दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग, ठीक है। छात्रों के लिए नोट्स बनाने के कौशल का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो इसके आगे का और देख लो, तो ये रहा उसके आगे से, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना अब। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आठ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, अब एक लास्ट और देख लो। तो ये रहा एक क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, ठीक है। क्रिया शोध क्या है, विवेचना करें, तो आपको इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करनी है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो इसके आगे का और देख लो, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, ये रहा उसके आगे का, ठीक है, उसके बाद का, यहाँ से पढ़ना फिर। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, तो ये रहा उसके बाद का, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर। तो हानिया देख लो, ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नौ क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के, जिनके पास ये सब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसके भी आंसर इसी तरह से आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेता।